करे, जो विकास करे, मकसद ही यही, सरकार का मकसद यही। सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं, क्यों चुनते हैं आप लोग सरकार? आप लोग या हम लोग सरकार इसलिए चुनते हैं कि शांति बनी रहे, अपराध पर नियंत्रण हो, हत्या अपहरण बंद हो, नहीं हो, और विकास हो। सरकार का यही काम है, अन्यायपूर्वक विकास हो, सबका विकास हो। और इसी को अगर आप ध्यान में रखिएगा ना, तो आप कभी गलत नहीं होइएगा। लेकिन अगर इससे आपका ध्यान हट जाएगा और आप जात पात में बह जाइएगा, तो नतीजा यह होगा कि हम लोग जहां हैं वही नहीं रहेंगे, हम लोग और उससे नीचे चले जाएंगे। हम आए आज सवेरे पहुंचे संपूर्ण क्रांति से, उसका भी स्टॉपेज हम ही करवाए थे, तो हमको लगता था कि ईश्वर ने हमसे स्टॉपेज इसीलिए करवाया कि हम सीधे आ रहा जाए और यहां से वापस जाएं सीधे। वहां पर लोगों से बात हो रही, आजकल ट्रेन का टिकट नहीं मिलता, साथ साथ स्पेशल चल रहे फिर भी ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। हवाई जहाज का टिकट का दाम हो गया है 17,000-20,000। क्यों? आज जैसे जैसे छठ नजदीक आएगा वैसे वैसे हवाई जहाज का दाम हो जाएगा 25,000, और ट्रेन में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा, कैसे आएगा लोग? बात यह है कि बिहार के जितने काम के लोग, कामकाजी लोग, सब बिहार से बाहर अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं दिल्ली में, अहमदाबाद में, बंबई में, बेंगलोर में, क्योंकि यहां रोजी नहीं। बात यह, तो रोजी रोटी कहां से आएगी? विकास होगा तभी आएगी, विकास होगा तो उद्योग आएगा, तब जाकर के नौकरी आएगी। सब जगह उद्योग आ रहा है, बिहार में नहीं आ रहा। क्यों भैया? मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कि हम लोग लैंडलॉक हैं, अंग्रेजी में लैंडलॉक कहते हैं कि हम लोग बंदरगाह से अलग हैं। हाँ, बंदरगाह बहुत दूर है, तो मध्य प्रदेश के भी तो बंदरगाह बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश से भी तो बंदरगाह बहुत दूर है, लेकिन वहां पर तो उद्योग जा रहा है। हमारे लोग तो कानपुर इलाहाबाद जाकर के काम करते हैं, यहां क्यों नहीं आ रहा? इसका अंतरकलन में जांच झांक करके देखिए। लोग कहते थे कि पैरवी नहीं, अरे साहब जितना पैरवी हम सुने या जितना हम ट्रांसफर पोस्टिंग कराए या पैरवी सुने, हमसे पहले कोई सांसद नहीं सुना। आज दिक्कत की बात यह है, अब दिक्कत की बात यह सुनिए, अब 4.5 लाख लोगों ने हमको वोट दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो इधर उधर हुआ उसका भी कारण आप जानते ही हैं, पवन सिंह जी खड़े हो गए काराकाट में, सारा कुछ वहां वोट उधर चला गया, ये तो जानते ही। हल्ला कर दिया कि झूठ झूठ हल्ला कर दिया कि बक्सर में राजपूत लोग वोट कर रहे हैं सुधाकर को, ये ब्राह्मण सब आधा ब्राह्मण गाय, सच्चाई तो यही है, तो हो गया काम खत्म। इस झूठ में आप लोग फंस गए, बक्सर में सब राजपूत वोट किया एनडीए के कैंडिडेट को, नहीं तो मार्जिन रहता 1.5 लाख-2 लाख, बक्सर में बहुत राजपूत, हम निकाल करके देखे, दिनरा उनरा जितना था सब राजपूत बहुल क्षेत्र सब ने एनडीए कैंडिडेट को वोट किया, लेकिन झूठ में चले गए आप लोग। और नतीजा ये है कि सुदामा जीत गया। कौन है सुदामा? सोचिए आप, शर्म करने वाली थी बात है। हमारा ससुराल है, हमारे साले लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनकर के रिटायर किए, यहीं के रहने वाले सब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर किए सब हमारे साले लोग, सबको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्यों? 25 आदमी का जो हत्या किया उसको आपका जिला अभी सांसद चुना है, ज्यादा लोग 4.5 लाख लोग तो हमको वोट किए, एनडीए को वोट किए, कुछ लोग 25 हत्या किया, एक परिवार में 7 आदमी का हत्या किया, एक बारी एक जगह नरसंहार किया, 9 आदमी को एक जगह मार दिया, कोई लाश उठाने वाला नहीं था, ऐसा भूमिहार का लाश उठाने वाला नहीं था जी, ज्वाला सिंह को खदेड़ करके मारा, उसके साथ 4 आदमी को मारा। 10 साल यहां विधायक रहा, कहता था कि यहां 10 साल विधायक रहा, 10 साल का पूछिए क्या
क्या काम कराए? एक काम कराया है तिरारी में, एक काम नहीं कराया, खाली कमीशन, जन वितरण से कमीशन, आवास में कमीशन, आवास में कमीशन जो गरीब आदमी को मिलता है उसमें 30,000 कमीशन, बीडीओ से कमीशन लेता है, लेता है। एक एक विकास का काम बता दीजिए इसका, उसी को आप लोग सांसद बनाया, वो है माले का आदमी। आइए हमारे खिलाफ, हम लोग के खिलाफ, अब खड़ा सुशील जी के खिलाफ अभी खड़ा हो रहा है वही माले का आदमी, जो कि इस जिला में अंधकार युग कर दिया था। जब ये विकास नहीं करता है, किसी का विकास नहीं करता, अरे गरीबों का विकास नहीं करता है, जिसके बारे में कहता है कि हम उसके हिमायती हैं, एक आदमी का इलाज कराता है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि अब हमारे पास फोन आते रहता है, हम कहते हैं अरे भैया तुम्हारा सांसद अब सदामा है, उसको कहो ना, ना तो हम उनका ना कह जाए, हमारा खाते रोवे बानी सांसद, अब चलिए सा। अब इसी में अब ये भी बात सही है कि भैया पौने 5 लाख आदमी हमको वोट किया, तो कहता कि हम मर जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, तो करना तो पड़ता ही है, लेकिन ये लोग करेगा कहीं कुछ नहीं, ना सुदामा किया ना राजू यादव किया, करेंगे तो सुनील जी ही करेंगे और उनका लड़का सुशील ही करेगा, करेंगे तो यही करेंगे, विकास कराए हैं तो यही कराए, इसीलिए हम आए, आज हम आने वाले नहीं। मेरी बड़ी बहन है, विक्रमगंज में शादी है उनकी, वो आज पहुंची है दिल्ली, हमको बोली थी उनको इलाज कराना है, एम्स में एडमिट होना है, हम सारा, तो फिर सुनील जी का फोन आ गया कि नहीं नहीं आपको आना ही है, तो हम भाई वहां व्यवस्था कर दिए, बड़ी बहन पहुंच गई, एडमिट हो रही है एम्स में, लेकिन हम बोले कि एक दिन के लिए हम आएंगे जरूर, इसीलिए आए कि साहब इस बार हम लोग गलती नहीं करना, थोड़ा सा हम लोग का वोट टूटेगा ना एनडीए का, फिर जीत जाएगा माले, फिर जीत जाएगा माले, आ तब करिएगा माले से पड़ी जैसे करते हैं अभी सुदामा से, इसीलिए कोई वोट टूटना नहीं चाहिए, सबको निकलना है, एक एक करके निकलना है। आप पुराना मार्जिन निकाल के देखिए, मार्जिन ज्यादा नहीं है, जितना बार भी हम लोग तरारी जीते 5,000-6,000 वोट से जीते, चाहे हम 5,000-6,000 वोट से जीते, चाहे सुनील जी उतने जीते, उतना ही से है। इस बार एक हुआ, पहले पिछली बार हम लोग का वोट बट गया, इस बार हम लोग का वोट नहीं बटेगा, तो इसीलिए हम लोग को जीतना आवश्यक है, और इस जिला के लिए जीतना आवश्यक है, इस जिला के विकास के लिए जीतना आवश्यक है, इस जिला के विकास के लिए यह आवश्यक है कि माले और राजद का राज समाप्त हो, और इसके लिए यह आवश्यक है कि हम लोग इस बार 2025 के चुनाव में एक एक जो वोटर है सबको बतावे कि विकास चाहिए ना, ईमानदारी के साथ विकास चाहिए ना, तो एनडीए को वोट कीजिए, हमारा आपसे यही कहना है, यही कहने के लिए आए, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अरे साहब भारत माता की।